था, मुझे लगा था 9 बजे आऊँगा, थोड़ी कम करती रहेगी करके, पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा भाई, और मस्त गाने भी बज रहे हैं। आज भी थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो गई, शायद ऐसा लग ही रहा है। अच्छा इतनी गलती नहीं है, और वेट लिफ्टिंग के सेक्शन में थोड़ा खाली है, चलो चलेगा। सबसे पहले आज मारेंगे शोल्डर प्रेस डंबल थ्री, और आज हम ये वेरिएशन करेंगे कि उसमें वेट थोड़ा हम ड्रॉप डाउन में करेंगे 20, 17.5 और 15। तो मैं 25 भी मार सकता हूँ, पर मैं आज नहीं मारूँ, क्योंकि आज मैं ये ट्राई करूँगा कि एकदम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एकदम धीरे धीरे छोड़ू कर दे 20 kg। स्टेप लगने लग गया, स्टेप छोड़ दिया, लेकिन बाद में और थोड़ा पुश करके नीचे लिया, फिर जो वापस ऊपर लेके दो तीन मारे और बंदा भी कम्प्लीट, मतलब लास्ट सेट। हमारा चलेगा धीरे धीरे बड़ा।
पर कुछ एकदम सही रहना चाहिए। मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ मुझे हिंदी करता है लेटर ये क्वेश्चन गलत था। लास्ट सेट देखिए इसको थोड़ा ट्राई करेंगे फिर वापस 3:30 रुपये आने वाला है। एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 5 भी नहीं 2.5 मिनट का, तो वापस वापस शुरू करेंगे। इंटरसिटी छोड़नी नहीं है, अब लेटर बाकी अपने लेटर करेंगे। आज बहुत टाइम लग गया साला, शायद शूट के व्यू एंगल तय करने में ही अभी पूरा ही हो गया। शर्ट अच्छा है, पंप भी अच्छा है, हाथ भी शोल्डर से दुख रहे हैं। अगली चलो हम ट्रैक्स मारने के लिए चूज़ करेंगे ये 30 kg वाले डंबल। मतलब 35 kg ईच साइड प्लस बारबेल वेट। चलो इसका एक सेट मार लिया 15 का, धीरे धीरे मारा पर अच्छे से गया। इसके बाद अभी हम 45 ट्राई करेंगे, 45 भी उसी इंटेंसिटी से 30 सेकेंड्स ब्रेक जस्ट।
50 सेट एकदम मुश्किल है हल्का, क्योंकि पहले सेट करा 50 पे, 50 की 5 गए, फिर 45 के 4 गए, उसके बाद डायरेक्ट 40 पे गया, 40 पे 2 की नहीं गए, उसके बाद फिर 35 जाकर पूरे 15 कम्प्लीट किया मुश्किल था। फिर 500 हो चुके अपने जिन्हें तो सबसे शोल्डर किया था, शोल्डर पे फिर फ्रंट ब्रेसेस, फिर लैटरल और फिर शरक्स मार लिए। अभी ये अपना मशीन का नाम याद होगा हो गया, और उसको भी काफ़ी है क्योंकि हर एक पार्ट एक तरह से भी हो चुका है, बैक का वाला भी हो चुका है, फ्रंट के लिए हो गया, साइड बैक का भी हो गया, ट्रैक भी हो गए, बैक के बना भी हो गया, तो यही भी अपना आज का रफ्तर कंट्रोल करेंगे। मज़ा आया भाई, आज देख रहे हो सेलिब्रेशन देख तो रहा है भाई, कुछ भी कितना भी कर दो, हाँ पैड भी है बहुत ज़्यादा, पर ठीक है